हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। कुछ बातें भी हो जाएंगी, एक ब्लॉग भी हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो पता है, सुबह उठने के बाद मैं रूम को पूरा क्लीन करके ही नीचे जाती हूँ। उसके पीछे का मेरा मकसद कुछ इस तरह से होता है कि मुझे वापस ऊपर आने में 2 बज जाते हैं, और फिर किचन का पूरा काम करने के बाद मुझे सिर्फ बेड दिखता है, और बेड यदि साफ़ सुथरा ना रहे तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होता है। और अभी के यहाँ साइड में खड़ा हुआ मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि मम्मा वहाँ दूध बॉटल रखा है, वहाँ पानी बॉटल रखा है। एंड मैं उसको कन्विंस कर रही थी कि हाँ ठीक है, आप उठा लो, आप उठा लो, बट नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें कब सुनना है हमारी। और आज है तीज का सिंझारा, और आज मेरी एक बुआ सास हैं जो वापस जाने वाली थी, तो उनका लंच बॉक्स हमें बनाना था, ट्रेन से जाने वाली थी वो, तो जिसके लिए मैं और थोड़ा सा जल्दी उठी हुई थी, जल्दी जल्दी यहाँ से काम कर रही थी। और ये सुबह सुबह की ना मेरे कमरे में धूप आती है जो मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है, लेकिन मेरे पास उस समय समय ही नहीं होता कि मैं बैठ पाऊँ। तो मैं मेरा सारा सामान लेकर यहाँ से, और हाँ मेरा प्यारा सामान अविक भी लेकर मैं नीचे चली जाती हूँ। नीचे जाने के बाद तो सबसे पहले मैं तुलसी जी को जली चढ़ाती हूँ। पता नहीं कैसे बस अब ये आदत बन गई है मेरी। देन थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर आज वैसे तो चाय वगैरह पीना और ये सब करती हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, कर चुकी थी मैं। नाश्ता बनाया भी नहीं था आज, तो इसलिए रिकॉर्ड करने का सवाल ही नहीं है। डायरेक्ट खाना बनाने में लग गई थी। और ये जो दाल के ऊपर फेस आता है ना, ये हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है, और मेरे घर में मेरे सास ससुर दोनों भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। और आप लोग भी यदि चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी रहने के लिए एक अच्छी आदत है, और हमें जब भी किसी से भी कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो हमें सीख लेना चाहिए, उन आदतों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बस फिर यहीं मेरे कामों में लगी हुई थी मैं। और आज सिंझारा है, तो मेरी मेहंदी वाली दीदी आने वाली थी, जिसके लिए मुझे मेहंदी के लिए जल्दी जल्दी से मेरे काम कंप्लीट करना था, बस एनी हाउ। और फिर उसके बाद मेरे काम इतनी जल्दी हो गए कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करूं। लगभग 10:15 बजे तक मेरा लंच भी प्रिपेयर हो चुका था, मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, तो अब मेरे पास काम ही नहीं बचा था करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पंजीरी बना लेते हैं, क्योंकि आगे जन्माष्टमी पर तो बनानी ही है, अभी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पंजीरी बना ली, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरी फीड पे आ चुका है। आई होप ये वीडियो आपको जन्माष्टमी पे हेल्प करेगा पंजीरी बनाने में, और यदि नहीं भी किया तो भी, और आपके क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो को लेके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ मेरे ना ड्राई फ्रूट कटे हुए नहीं रखे थे, तो मैंने सोचा कि ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा कर लेती हूँ। ये ड्राई फ्रूट कटर हमें एक गिफ्ट में आया था, जो बहुत अच्छा है, एक साथ इसमें 5-6 ड्राई फ्रूट्स ऐसे हो जाते हैं, किसा जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसमें एडजस्टेबल भी है ये, तो आपको जितना बड़ा चाहिए ड्राई फ्रूट का उतना वो एडजस्ट हो जाता है, जैसे टुकड़ों वाला चाहिए तो वो भी हो जाता है। काफ़ी बहुत ही अच्छा है, यदि मुझे इसकी लिंक मिली तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। बाकी ये हमें तो गिफ्ट में आया था, मैंने परचेस नहीं किया, इसलिए मेरे पास इसकी कुछ पर्टिकुलर अभी लिंक अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना, मतलब कम समय में, लगभग 15 मिनट में मेरे 1 से 1.5 कटोरी ड्राई फ्रूट हो गए थे। और फिर उसके बाद में ना मैं अक्सर ऐसा किसके रख लेती हूँ, और फिर इसको मैं एक कंटेनर में या डिपी में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। और फ्रिज में क्यों रखती हूँ ये मुझे नहीं पता, बस मैं रखती हूँ। ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा पंजीरी में भी इसको मिक्स कर दिया था, और बाद में अब जिस दिन जन्माष्टमी के दिन भोग लगाएंगे तो उस दिन इसको ऊपर से डालने के लिए भी यूज़ करेंगे, और बाकी भी ऐसे कभी कभी कुछ शीरा वगैरह बनाए तो उसमें डालने के लिए काम आता है। और आप लोगों ने आई होप ये मेरे प्लेट बनाने का वीडियो तो देखा ही होगा। अब ये पूजा थाली को मैं एज फोटोशूट प्रॉप यूज़ कर रही हूँ, मैंने कुछ इस तरह से पंजीरी की फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, और पंजीरी का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। फिर मैं बैठ गई थी लंच करने के लिए। आज मेरी लंच की थाली में था 1 कटोरी दाल, थोड़े से चावल, 2 रोटी, और मैंने चपटी वाली बीन्स, उसे कहते गवारफली, उसकी सब्ज़ी बनाई थी, और थोड़ा सा मिर्ची का बेसन सुबह माँ ने बनाया था टिफ़िन के लिए, बुआ जी के लिए तो वो रखा हुआ था, वो भी ले लिया था। जैसे ही मैं लंच करके उठी, मेरी दीदी आ गई मेहंदी वाली, और उन्होंने मेरा हाथ लगाना स्टार्ट कर दिया।
तो कुछ इस तरह से मैंने उनको डिज़ाइन सजेस्ट किया था और फिर वही डिज़ाइन उन्होंने मेरे हाथ पे छाप दिया पूरी तरह से मोर वाला। काफ़ी सुंदर मेहंदी लगाई इन्होंने और बहुत कम टाइम में भी लगा दी, जैसे मैंने दोनों भी आगे पीछे के हाथ और पैर में मेहंदी लगवाई थी तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेहंदी लगाई। बीच बीच में अविक हमें इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, पर फिर थोड़ी देर बाद तो मैंने अविक को सुला ही दिया था तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। लेकिन आज अविक की नींद ही नहीं हुई तो दिन भर वो बाकी पूरे टाइम बहुत चिड़चिड़ करते रहा। जल्दी से फिर उन्होंने मेरा एक हाथ तो कंप्लीट कर ही दिया था, ये देखिए ये दूसरे हाथ पे आ गई अब वो, और दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लग गई। और अब देखिए कि कितने फिनिशिंग से उन्होंने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई है। मैं ना मेहंदी ज़्यादा नहीं लगवाती हूँ, लगभग साल में 3-4 बार ही ऐसे बुलवा के लगवाती हूँ मेहंदी, 3-4 भी नहीं, सिर्फ 2 या 3 बार, एक बार गंगौर पे, एक बार करवा चौथ पे और एक बार अभी ये तीज पे। और अदर ऐसे कभी किसी की शादी वादी रहती है तो वो एक अलग ओकेजन वाइज हो गया, बट ऐसे मैं 3 बार ही लगवाती हूँ तो फिर इसलिए मैं अच्छे से मेहंदी लगवाती हूँ। और देखिए यहाँ मेरा बैक हैंड भी कंप्लीट हो गया है, बैक हैंड का डिज़ाइन भी उन्हें मैंने ही सजेस्ट किया था लेकिन उन्होंने काफ़ी सुंदर बनाया। फिर माँ के बहुत कहने पर मैंने सोचा ठीक है पैर में भी थोड़ी सी बनवा लेते हैं, तो ये देखिए पैर का डिज़ाइन। और इसके बाद तो मैं इतना थक गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी बैठने की थोड़ी सी भी, और हाथ गीले मैं कर नहीं सकती थी, और डिनर की प्रिपरेशन आधी तो मैंने सुबह ही करके रख दी थी तो मेरे पास काफ़ी टाइम था इवनिंग में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो ये मैंने आइस वाला जो रोलर है ये मैंने बुलवाया था मीशो से, मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया, अभी तक 1 या 2 बार ही, तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। और इत्तेफाक से मैंने आज सुबह ही इसको भर के रखा था, इंटेंशनली तो नहीं रखा था, मैंने सोचा था ठीक है टाइम मिलेगा तो कल मेकअप के पहले कर लूँगी, तो फिर अभी मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ कर लिया। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब चलो इतना कर ही रही हूँ तो मास्क लगा लेती हूँ। मेरे पास एक शीट मास्क पड़ा हुआ था, ये एलोवेरा वाला, पीछे कभी मैं डीमार्ट गई थी तब वहाँ से लेके आई थी इसको, तो आज मैंने इसको भी लगा लिया। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे शीट मास्क, इससे स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाती है और बहुत अच्छी लगने लगती है, ये बहुत स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं और थोड़े टाइम के लिए स्किन तो बहुत ऐसे ग्लोइंग हो जाती है। जब फेशियल का टाइम नहीं रहे ना तो आप लोग भी ट्राई करके देखना, ये शीट मास्क बहुत अच्छे रहते हैं। फिर इसको लगा के मैंने 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, तब तक मैं थोड़े से मेरे दूसरे काम करती रही। मैं तो क्या करती हूँ ना, कभी कभी इसको पार्लर भी अपने साथ लेके चले जाती हूँ, जब तक वो आंटी मेरे वैक्स वगैरह ये सब करते हैं तब तक मैं ये शीट मास्क लगा के बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी सी उनसे मसाज करवा लेती हूँ। यदि आपके पास भी समय की कमी रहती है मेरी तरह तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। देन मैंने ये शीट मास्क निकाल दिया था और मेरे पास ना ये मार्बल मसाजर है जो कि मैंने मीशो से ही लिया था। मैंने इसकी एक शॉट डाला था तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो तो देखिएगा, मैं उसकी लिंक दे दूंगी, उसी में इसका कोड भी डाला हुआ है। तो इससे मैंने थोड़ी सी मसाज कर ली जिससे रिफ़्रेश फील हो, और उसके बाद ऑब्वियस है कि मैं हाथ गीले नहीं कर सकती थी तो ये जो स्पंज, अगेन ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, तो इससे मैंने अपना फेस को वाइप कर लिया और ये बहुत अच्छा है। मतलब मेकअप रिमूवल से भी ज़्यादा इसको मैं यूज़ करती हूँ कि मुझे ना जब फ्रेश फील करना होता है बट फेस वॉश करने का मेरे पास समय नहीं होता तो मैं इसको बस गीला कर और निचोड़ कर और ऐसे हल्का हल्का सा स्पंज जैसा कर लेती हूँ फेस पे, तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है फेस। तो यहाँ देखिए मेरा फेस ज़रा थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत से कितना अच्छा लगने लगा है। बस कभी कभी ना इतना ही 15-20 मिनट का भी यदि हम खुद के लिए टाइम निकाल लेते ना तो वो काफ़ी होता है। और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी रेगुलर जो ये मेरी मॉइस्चराइज क्रीम है पॉन्स की जेल क्रीम, ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, ये मैंने थोड़ी सी अप्लाई कर ली, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली और यहाँ इवनिंग में मैं रेडी हो गई। फिर मैं तैयारियाँ करने लगी थी अगले दिन तीज के लिए। मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी जैसे कोई नेक्स्ट डे फंक्शन है या फिर कोई फेस्टिवल है तो एक दिन पहले ही मैं उसके कपड़ों की और जो भी ज्वेलरी या बैंगल्स मुझे जो भी पहनना है तो वो मैं निकाल के रख लेती हूँ, जिससे कि ना नेक्स्ट डे फटाफट से मैं रेडी हो पाऊँ, कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे और निकालने में टाइम वेस्ट भी ना हो। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये जो मेरे पास एक येलो कलर का पुराना स्कर्ट है, ये स्कर्ट मेरी शादी के पहले का है, शादी के लगभग 6 महीने या साल भर पहले मेरी एक कोई फेस्टिवल था, शायद गंगौरी था, उस पर किसी रैम्प वॉक जैसा फंक्शन था तो उसके लिए मैंने ये परचेस किया था। तो मेरे पास ये स्कर्ट है और मैंने सोचा है कि इसी स्कर्ट पे मैं चुनरी को ड्रैप करूँगी। और रही बात मॉर्निंग की, क्योंकि फेस्टिवल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों टाइम अच्छे से रेडी हूँ,
तो मॉर्निंग में तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हल्का सा कोई सा भी मेरा जो राजपूती सूट या पोशाक है वो पहन लूँगी। और ये चूड़ा है मेरा रेड कलर का। अक्सर इस ऐसे बड़े त्योहारों पे मैं चूड़े वगैरह ही पहनना प्रेफर करती हूँ। ये बहुत ही सुंदर राजस्थान से लाया हुआ चूड़ा है, मेरे दादा ससुर जी मेरे लिए लेके आए थे। तो यहाँ मैंने मेरी अगले दिन की तैयारियाँ भी शुरू कर दी थी। तो ये मैं कपड़े वगैरह मेरे ले आई हूँ। और मॉर्निंग में पहनने के लिए अभी भी मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं ये पिंक वाला ड्रेस पहनूँ या फिर ये ब्लू वाला। ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, मैंने इस पर पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। इस बार भी मेरा मन है इन दोनों में से ही पहन लूँ, या देखती हूँ कल तक और क्या मन होता है। ये है मेरी शादी की चुनरी, इसकी कल डिटेल्स दूँगी आपको, और मैं इसको लहंगे पर ड्रैप करने वाली हूँ। और ये चूड़ा, तो बस ये है मेरी छोटी बहुत प्रिपरेशन जो मैंने आज ही करके रख ली है कल के लिए। अब आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, सब्सक्राइब माय चैनल और अपना ध्यान रखिए।